नमस्कार, मैं हूं मुदासिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। अजान, लाउड स्पीकर और हरमान चालीसा को लेकर अब महाराष्ट्र में क्या होगा, बड़ा सवाल जिसको आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। संजय राउत ने आखिर में क्या कहा, जो शिवसेना के सांसद है। राज ठाकरे का अब क्या कदम होगा, क्या पहल करने वाले हैं, इन तमाम चीजों को आइए बारीकी से समझते हैं। देखिए, आज से ठीक दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार को फटकार लगाई है। जी हाँ, कोर्ट ने जो है जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा जो है ड्रामा आप मत कीजिए, चुनाव करवाइए, जो नगर निगम के चुनाव है वो करवाइए, दो हफ्ते के अंदर जो है इसकी तारीख का ऐलान कीजिए और चुनाव करिए। देखिए, ये जो पूरा खेल हो रहा है ना महाराष्ट्र की राजनीति में, चाहे वो अजान को लेकर, चाहे वो लाउड स्पीकर को लेकर, चाहे वो फिर हनुमान चालीसा को लेकर, चाहे इस बीच में ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, राज ठाकरे हों, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि महंगाई पे बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे बात ना हो। और आज जो युवा देश में बर्बाद हो रहा है, जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद नौकरियां नहीं है, उस पर बात ना हो, इसलिए ये ड्रामा किया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगाई है और इसी वजह से अब संजय राउत ने खुलकर अपनी बातें कही है कि आज राज ठाकरे क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर बताया, देखिए दोनों एक दूसरे के पोल तो खोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त संजय राउत ने खुलकर बताया है कि राज ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं जो राज ठाकरे कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या राज ठाकरे को वाकई इस लाउड स्पीकर के मसले को उठाने से क्या उन्हें फायदा होता है, क्या एमएनएस पार्टी नगर निगम चुनाव में कितना फायदा उठा पाती है, ये भी देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी के बीच में एंट्री हुई, उन्होंने भी कहा कि जेल में डालो किसको, राज ठाकरे को, वो नहीं हुआ। तो देखना होगा कि ये जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया ना, इसमें किस पार्टी का फायदा होता है और किस पार्टी का नुकसान होता है। जानकार यही कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि राज ठाकरे की इस हरकत से किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही, बैठा होते देखते रहे स्पिन आई न्यूज़। नमस्कार।